जरूर करेंगे पांच काम। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। साल 2020 में यह पवित्र महीना 6 जुलाई सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार तक चलेगा। इस साल सावन महीने की शुरुआत और समापन सोमवार के दिन होने के कारण धार्मिक नजरिए से यह एक अद्भुत संयोग होगा। मान्यताओं के अनुसार सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि इस बार सावन माह के इस शुभ संयोग में सावन महीने के शुरू होने से पहले आप कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें सावन माह शुरू होने से पहले आपको जरूर कर लेना चाहिए। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। माना जाता है कि साफ सुथरे घर में हमेशा देवी देवताओं का वास रहता है। सावन का महीना शुरू होने से पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर का कूड़ा कचरा घर से बाहर करने के साथ ही विशेषकर पूजा स्थल को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। ईशान कोण को साफ और हल्का रखें। ईशान कोण अर्थात जहाँ पर पूर्व और उत्तर की दिशाएं मिलती हैं, उस स्थान को ईशान कोण या दिशा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन माह शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण की अच्छी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि ईशान कोण भगवान शिव की दिशा मानी गई है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी घर के ईशान कोण में भारी सामान नहीं रखना चाहिए। घर में गंगा जल लाकर रखें। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा जी को समाये हुए हैं, इसीलिए सावन माह शुरू होने से पहले घर में गंगा जल लाकर अवश्य रख लें। इससे भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रुद्राक्ष की माला घर लेकर आएं। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं की बूंद से रुद्राक्ष का जन्म हुआ है, इसीलिए सावन महीने के पहले ही यदि आप अपने घर में रुद्राक्ष के दाने या इसकी माला लेकर आते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। ईशान कोण में जल की स्थापना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण भगवान की दिशा मानी गई है, इसीलिए यहाँ पर जल से भरा कलश रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार यदि श्रावण मास शुरू होने से पहले घर का ईशान कोण खाली कर वहाँ पर मंगल कलश की स्थापना